लोकसभा चुनाव गुजरने के बाद जो भी राजनीतिक पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उस राजनीतिक पार्टी द्वारा हार की समीक्षा की जा रही है। शुरुआत भाजपा द्वारा की गई, और जहां भी हार की समीक्षा हुई वहां वहां झगड़े हुए, नेता कार्यकर्ता आपस में ही भीड़ पड़े, कोई किसी पर ठिकरा पोड़ रहा है तो कोई किसी और को दोषवार ठहरा रहा है। वो अब देखिए आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, आप तो जान ही रहे हैं, पलामू लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। तो उसी हार की समीक्षा के लिए आखिर हम क्यों हार गए, कभी मेरा यह परंपरागत सीट हुआ करता था, केवल लोकसभा सीट पर हम पर ही नहीं, बल्कि हम इस लोकसभा क्षेत्र में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं सब उसमें आधे से अधिक पर हम काबिज रहा करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि हमें हार का सामना करना पड़ा? इसी लेकर समीक्षा बैठक पलामू मुख्यालय के चंद्रा रेसिडेंसी होटल में हुई। अब देखिए, हमने कहा था कि भाजपा ने हार की समीक्षा की शुरुआत की थी, वहां आपस में नेता कार्यकर्ता भिड़ गए थे। अब राजेडी द्वारा जो हार की समीक्षा शुरू की गई उसमें भी नेता कार्यकर्ता भिड़ गए। हम पूरी खबर बताए उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए उसकी झलक कि कैसे नेता कार्यकर्ता आपस में मंच पर ही भिड़ गए थे। अब देख रहे हैं कैसे आपस में तूतू मैं हो रहा। तो हार की समीक्षा होगी, जब जीत मिलेगा तो आपस में फुल लोग बुके देंगे, स्वागत करेंगे, आह्लादित होंगे, खुश होंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन हार की समीक्षा होगी तो एक दूसरे पर दोषारोपण होगा ही, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाएगा ही, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हो, जिसके द्वारा भी हार की समीक्षा की जा रही हो। तो आपने देखा कि कैसे मंच पर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता भिड़ गए। खैर, हार की समीक्षा हो रही है तो इतना होगा ही। तो आज बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सब हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय सिंह यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे, वरिष्ठ नेता गौतम सागर राणा मौजूद रहे, पलामू की जो प्रत्याशी थी ममता भुइयां वो मंच पर मौजूद रही, सब दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ता रहे। सभी से बातें की गई कि कैसे आखिरकार हम क्यों नहीं जीत सके, क्यों मुझे हार का हम लोग को सामना करना पड़ा, कई तरह की बातें हुई, पूरी तरह से समीक्षा बैठक हुई। और इसके साथ ही साथ कि हम लोकसभा के चुनाव भले हार गए लेकिन आगामी चुनाव जो झारखंड में होना है यानी विधानसभा का चुनाव, उस विधानसभा के चुनाव में हम सबों को पूरी मजबूती से डट जाना है और विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करना है। अब यहां देखिएगा, हम ज्यादा ज्यादा सीट इसलिए हासिल करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यह बात कहा कि पिछले दिन एक बातें आई थी कि जेएमएम के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे द्वारा यह कहा गया कि हम सभी 81 सीटों पर राज्य के जेएमएम चुनाव लड़ेगी। अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कह दिया कि आरजेडी झारखंड के 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, गठबंधन हो या ना हो तैयारी तो आरजेडी ने शुरू कर दी है। इसकी वकालत आज संजय सिंह यादव जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा की गई इस समीक्षा बैठक में, बहुत बड़ी बात है। अब एक तरफ गठबंधन की दुहाई दी जाती है और दूसरी ओर जहां एक तरफ जेएमएम तो वह दूसरे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया कि हम 22 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसी अनुसार हम लोग सबको जुट जाना है। भले लोकसभा का सीट हमारे हाथ से निकल गया लेकिन विधानसभा का सीट अपने हाथ से नहीं फिसलना चाहिए। जिस तरह हम पूर्व में पलामू लोकसभा क्षेत्र के आधे से अधिक विधानसभा सीटों पर काबिज रहा करते थे, ठीक उसी तरह सभी सीट को हासिल करना है, सभी जगह अपने प्रत्याशी को जिताना है। इसी लेकर अभी से ही तैयारी में जुट जाना है क्योंकि समय कम है। इस मौके पर संजय सिंह यादव
ने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए पुलिस समीक्षा बैठक के दौरान, आइए हम आपको सुनाते हैं। लेकिन एक बात छूट गया था, संजय सिंह यादव ने एक बात और कहा जो बहुत महत्वपूर्ण है, मार्केबल है, कि चुनाव हारने का सबसे प्रमुख कारण यह है आर्थिक कारण, आर्थिक परेशानी। उनके कहने का मतलब था कि अब समय पैसे का है, पहले वक्त था जब धनबल से ज्यादा जनबल के भरोसे नेता चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब जनबल के साथ साथ धनबल भी काफी मायने रखता है, तो आर्थिक परेशानी हम लोगों के सामने रही, यह भी हार का एक प्रमुख कारण रहा। आइए सुनाते हैं आपको संजय सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। ये समीक्षा बैठक गढ़वा और पलामू जिला के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है, और समीक्षा बैठक में सभी प्रखंड अध्यक्ष और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का बहुत सारे सुझाव आए हैं, बहुत सारी कमियां रही हैं जिस तरह से सुझाव आए हैं, पार्टी इसको गंभीरता से विचार करेगी, जो कमियां रही हैं और इन सब बातों को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोग बात करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे का रणनीति करेंगे। क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनेगी? विधानसभा चुनाव का है, राष्ट्रीय जनता दल 22 सीट भाई आप लोग कह रहे थे शांति बनाइए। देखिए समीक्षा में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को सुझाया हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से लगे हैं, वोट हम दुगना ले गए हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में और जनता मेरे साथ थी। कुछ आर्थिक कमी रही है क्योंकि भौतिक युग में तो समझते हैं कि वो बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार गरीबों के बीच में जाकर के इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो उग्रवादी बढ़ेंगे, तो जो काम झारखंड सरकार कर रही है जैसे महिलाओं को धोती साड़ी देना, पेंशन देना, ये नीचे लेवल पर जाकर के बहुत दुष्प्रचार करने का काम किया है, और बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बोला जा सकता है। ये जनबल के साथ धनबल की लड़ाई थी, धनबल जीता है, जनबल हारा है, यही मुख्य उद्देश्य है। आपको नहीं लगता कि आप सिंगल सीट चढ़ रहे थे? पलामू और चतरा का सभी सीट है, इसके बाद हमारा कोडरमा है, बरगटका है, देवघर है, गुड्डा है, जरमंडी है, ये सब सीट है हमारा, हम 22 सीट पर अपना तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का। हम अपनी भावनाओं से जो सीट हमारा सिलेक्ट है, कैंडिडेट भी हमारे सिलेक्ट है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे, अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, गठबंधन होगा तभी, नहीं होगा तभी, हम अपनी तैयारी में लगेंगे। अच्छा आज जो सुनी आपने सुना पूरी बातों को, संजय सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। अब देखिए गठबंधन की बात यहाँ पर हमको लगता है कि खत्म सी होने वाली है। एक तरफ जहां जेएमएम इस तरह की बातें बोल रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि हम 22 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव आते आते तक क्या निकल कर सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।